हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्किंग वुमेन पारुल। फ्रेंड्स, फाइनली मैं चली आई हूँ ऑफिस से घर, और अभी घर में मैं बना रही हूँ चाय वगैरह पी करके हम लोगों को निकलना है मार्केट शॉपिंग के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि चलिए पहले आप लोगों से हाय हेलो कर लूँ, और फिर जब शॉपिंग जाऊँगी तो वहाँ का जो मैं शॉपिंग वगैरह करूँगी, थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मी के लिए करवाना है, प्रिंस के लिए करवाना है। नहीं, प्रिंस के लिए तो मैं कर चुकी हूँ गाइस, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। वो भी मैं जल्दी से लेकर के आऊँगी कि मैंने प्रिंस के लिए क्या शॉपिंग किया हुआ है दिवाली का। एंड डैडी के लिए भी मुझे करना है, मैंने डैडी के लिए भी नहीं किया हुआ, डैडी के लिए भी करना है। तो जब मैं शॉपिंग करके आऊँगी, देन आई विल शेयर विद यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए दिवाली पे। तो गाइस चलिए, अभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे निकलना है मार्केट, और आप भी आ जाइए मेरे साथ मार्केट। फाइनली आज मैं फिर आ गई हूँ शॉपिंग शेयर करने कि मैंने क्या शॉपिंग किया हुआ है ऑफिस से घर, घर से। आज मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया था, सिर्फ हम लोग चाय पिए थे। चाय पी करके हम लोग निकल गए थे मार्केटिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर हम लोगों को अच्छे से शॉपिंग करने को नहीं मिल पाता फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा है अभी मार्केट में। और आयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि आपने देखा है कि मैंने मम्मी को भी शॉपिंग करवाया है, आयान के लिए भी मैंने शॉपिंग किया है। तो मम्मी की शॉपिंग का जो ब्लॉग है, मैं अलग ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने मम्मी के लिए क्या क्या शॉपिंग किया हुआ है, ठीक है ना। आज मैं सिर्फ शेयर करूँगी कि मैंने आयान के लिए क्या शॉपिंग किया हुआ है। बट गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप पीछे का डेकोरेशन देख रहे हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर में, ये भी बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत पॉजिटिविटी टाइप की फीलिंग्स देता है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा था। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैंने आयान के लिए क्या क्या खरीदा है। ऑब्वियस सी बात है, मेरी तरह से अपने बच्चों के लिए शॉपिंग्स करते हैं, खासकर दिवाली के फेस्टिवल में, क्योंकि शॉपिंग किया हुआ है आयान की, मैं दिखा देती हूँ गाइस। और सारे के सारे ऑब्वियस सी बात है उलन वियर ही हैं, क्योंकि थे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये आयान के लिए शॉपिंग किया हुआ है। ये देख लीजिए, बहुत प्यारा सा लग रहा है। हालांकि आयान को मैं हर टाइप के कपड़े पहनाती हूँ, हर एक माँ पहनाती, सिंपल सी बात है। बट आप ये देखिए, और ये हुडी टाइप का है, कैप ज़रूर है, और मैंने ये देखा हुआ है कि ये फर का कपड़ा हुआ है, तो ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। मैं सोची कि इस बार मैं ब्लैक नहीं लूँगी आयान के लिए, अवॉइड मैं कर रही थी। और ये देखिए, इसका पैंट है, ये सारे उलन वियर्स हैं गाइस। और मैंने इस बार शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह नहीं लिया है उनके लिए कॉटन्स की, क्योंकि मैंने सोचा कि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं और ये सब ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिया है। ये फर्स्ट क्लॉथ है उनका का। दूसरा मैंने ये लिया हुआ है कि अगर इन द केस मॉर्निंग में ये खेल रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में उनका खेलना, दो तीन कपड़े तो चेंज होना ही है। तो इनका ये देखिए ब्लैक कलर का स्वेटर है, और ये बहुत अच्छा, बहुत लाइट वेट सा है, ये देखिए। और मैं हमेशा यही चीज़ ट्राई करती हूँ कि मैं जो इनका टॉप ली हूँ एकदम भी उसी से मैचअप करता हुआ हो, मीन्स मैं अलग अलग नहीं लेती हूँ, बहुत रेयर केस में मैं लेती हूँ। तो आप ये देखिए, इसका बॉटम भी कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए। और जब आयान पहनेंगी ये सारे कपड़े, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ पिक्स भी शेयर करूँगी, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आयान कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गया, ये इसका बॉटम हो गया गाइस, और ये हो गया इसका ब्लैक कलर का ऊपर का स्वेटर। दूसरा कपड़ा मैंने ये लिया हुआ है आयान के लिए, बहुत सारे ले लिए फेस्टिवल पे कि ऑब्वियस ही बात है एक गंदे करेंगे तो मुझे दूसरा चेंज करना ही करना पड़ेगा। थर्ड देखिए, मैंने ये लिया हुआ है, ये भी बहुत लाइट वेट है,
ये भी मॉर्निंग में ये आराम से पहन करके खेल सकते हैं, गंदा भी कर सकते हैं, गंदा तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो ये देखिए, ये भी देखिए कितना प्यारा सा है कलर इसका, और इसका बॉटम भी देखिए गाइस, इसका बॉटम ये रहा, ये देखिए लाइट कलर में। एंड ऊपर का ये, हाँ आप ये जितने भी मेरे क्लॉथ्स देखेंगे ना आयन के लिए, मैंने जितने भी लिए हुए हैं उसको मैंने आगे चैन वाले नहीं लिए हैं और ना ही मैंने आगे बटन वाले लिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आयन क्या कहते हैं ना, चैन खोल करके कपड़े निकाल देते हैं अपने, एंड बटन भी खुल जाती है उनसे, तो वो बटन कपड़े हटा देते हैं वो। तो मैंने यही हम ट्राई किया है इस बार, ओपनली फ्रंट ओपन वाला कोई भी स्वेटर वगैरह मैंने नहीं लिया आयन के लिए, मैंने पूरा क्लोज जैसे स्वेट शर्ट है वैसे टाइप से मैंने लिया हुआ। तो ये थर्ड क्लॉथ्स हुआ जो मैंने आयन के लिए ख़रीदा हुआ है, ये देखिए थर्ड है गाइस, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। ओके ये थर्ड हो गया, उसके बाद गाइस फोर्थ दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा मैंने ये भी लिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया फ्रेंड्स। अच्छा ये देखिए, ये मैंने रात में पहनाने के पर्पज़ से ही लिया है, क्योंकि रात में पहनाने पे क्या होगा ना, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ये फर टाइप का इसका फैब्रिक है गाइस, और बहुत प्यारा, ये देखिए आप। और हाँ इसमें आपका ये साइड से है, मतलब आपका कर्वी शेप में आपका दिया हुआ है, बटन वगैरह आप देख रहे होंगे, ये देखिए कर्वी शेप में है, फ्रंट में एकदम से स्ट्रेट नहीं दिया हुआ है। और इसका बॉटम ये रहा गाइस, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मैंने नाइट में पहनाने के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, क्योंकि ठंड ना लगे, और वैसे भी कैप्स वगैरह तो पहनेंगे पहनेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो सारे बच्चे पहनते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई ना, विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया गाइस, तो कैप सॉक्स वगैरह सब कुछ चाहिए बच्चे के लिए। उसके बाद गाइस मैंने ये वाला भी लिया है, मैंने काफ़ी लिए आयन के लिए। तो पता है जब मैं सेलेक्ट करती हूँ ना, तो मैं सेलेक्ट करती रहती हूँ, फिर मैं काउंट नहीं करती कि मुझे एक की दो, फिर मैं लेती रहती हूँ जो जो मुझे सेलेक्शन मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो ले ही लेती हूँ, फिर मैं एक दो नहीं देखती, मुझे लगता अच्छा ये पसंद आया मुझे मैं ले ले लूँ, ये पसंद आ रहा मैं ले लेती हूँ। तो ये तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते होंगे, खासकर माँ, माँ तो यही काम करती हूँ, उनको जो जो चीज़ अच्छी लगती है। तो अच्छा मैं इसका बॉटम भी, एक सेकेंड गाइज, हाँ ये रहा इसका बॉटम। तो गाइज ये रहा नेक्स्ट, आप ये देखिए ये स्ट्रिप में है और कितना प्यारा लग रहा है, ब्लू कलर का है, इसका भी आप देख रहे होंगे फ्रंट चैन वगैरह कुछ भी नहीं है, और इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा है आयन। फिर फ्रेंड्स ये रेड कलर का रहा आयन का नेक्स्ट, आप ये देख रहे हैं, ये भी हुडी वाला है, ये देखिए। एंड इसमें फ्रंट में सिर्फ दो आपका बटन दिया हुआ है, दैट्स इट। एंड इसका बॉटम है ब्लू कलर का, आप ये देखिए ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गए। उसके बाद गाइज मैंने क्या लिया है आयन के लिए, ये कैप लिया हुआ है, हालांकि बहुत सारे कैप्स हैं इनके पास, बट मैं जाती हूँ तो मुझे पसंद आ ही जाता है, मैं जब प्रिंट्स देखती हूँ कि डिफरेंट है और आयन के पास नहीं है तो मैं ले ही लेती हूँ। तो एक ये मैंने कैप ले लिया है फेस्टिवल के लिए, हालांकि इनके पास ऑलरेडी 3-4 नए कैप्स पड़े हुए हैं, और मैं हमेशा मंकी कैप ही लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस तक क्लोज रहता है। तो ये देखिए आयन का कैप है, मल्टी कलर का मैंने लिया हुआ है, ये कैप हो गया आयन का फ्रेंड्स। एंड ये तो चलिए ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, एंड ये आयन के इनर्स वगैरह हैं, मैं दिखा दूँ, इनर्स वगैरह भी मैंने ले लिए हैं, ये देखिए दो दो मैंने इनर्स ले लिए हैं, और ऊपर नीचे के बस इतने ही है शॉपिंग। सॉक्स भी मैंने लिया हुआ है, आई थिंक मैंने सॉक्स भी लिए हुए हैं फ्रेंड। हाँ देखिए ये एक मैंने एक सॉक्स भी ले लिया आयन के लिए, उलन सॉक्स है टोटली। तो ये तो सारे रहे कपड़े आयन के, आप ये देख रहे हैं ये सारे कपड़े रहे आयन के फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी प्यारे प्यारे कंटेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज आज के लिए तो बस इतना ही हो गया है, अब जाना है आयन को मिल देने, उसके बाद फिर हम लोग का हो जाएगा बेड टाइम, तब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, बाय।